टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य जी ने बॉयफ्रेंड शाहनवाज शेख से शादी का ऐलान करके सभी को हैरान कर दिया था, जिसके बाद ट्रोल्स ने उनको काफ़ी ज़्यादा निशाने पर लिया। लेकिन अब एक्ट्रेस ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और ट्रोल्स को करारा जवाब दिया है। दरअसल देवोलीना भट्टाचार्य जी को आलिया भट्ट से कंपेयर किया जा रहा था। कई ट्रोल्स का ये कहना था कि एक्ट्रेस ने गुपचुप तरीके से शादी इसलिए रचाई है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। ऐसे ही कुछ आलिया भट्ट के साथ हुआ था जब उन्होंने रणबीर के साथ शादी रचाई थी और कुछ ही महीनों के बाद अपनी प्रेगनेंसी का अनाउंस कर दिया था, जिसके बाद देवोलीना भट्टाचार्य जी की तुलना आलिया भट्ट से करने लगे ट्रोल्स और उनको लगातार ट्रोल कर रहे थे। टीवी एक्ट्रेस देवोलीना ने जब से शादी की है तभी से ट्रोल्स उनके पीछे पड़े हुए हैं। शादी का ऐलान करने से लेकर उनकी शादी की वीडियोज़ आने के बाद तक लोग उनको लगातार ट्रोल कर रहे हैं। एक्ट्रेस ने बताया था कि वो कुछ बड़ा नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड शाहनवाज शेख से कोर्ट मैरिज की तरह गुपचुप तरह से शादी की। लेकिन ट्रोल्स का कहना तो कुछ और ही है। ट्रोल्स का कहना है कि देवोलीना प्रेग्नेंट है, इस वजह से उन्होंने गुपचुप तरह से शादी रचाई है। लेकिन अब ऐसे में एक्ट्रेस ने अपनी इन खबरों पर चुप्पी तोड़ी है। एक्ट्रेस ने कहा है कि मुझे किसी को भी कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसीलिए मैंने अचानक शादी का फैसला लिया। मैं हैरान हूँ और उन लोगों के लिए दुख महसूस करती हूँ जो ऐसी बकवास बातें करते हैं। देवोलीना आगे कहती हैं कि ये हिपोक्रेसी का अलग ही लेवल है कि आप किसी को टॉर्चर करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ये लोगों को खुश नहीं देख सकते। ये कभी कभी बहुत परेशान करने वाला हो जाता है। किसी को दूसरे की जिंदगी में इतना घुसने की क्या जरूरत है। एक्ट्रेस आगे कहती हैं कि इन कॉमेंट्स पर मुझे हंसी भी आती है, इसलिए मैंने जाने दिया, इनके बारे में बात करना जरूरी नहीं समझा। मुझे सही में नहीं पता कि आगे मेरे बारे में क्या क्या बोला जाने वाला है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देवोलीना भट्टाचार्य जी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बात करते हुए कहती हैं कि जब भी मैं काम की बात पर आती हूं तो मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूं। हालांकि इस वक्त मेरी पर्सनल लाइफ की वजह से मेरे काम को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन मैं अपने नए प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूं। मैं दुआ करती हूं कि आने वाला साल खुशी और समृद्धि से भरा हो। मैं अगले साल से कई सारी उम्मीदें लगा रही हूं। इस साल मेरी हेल्थ भी कुछ ठीक नहीं रही। मैं चाहूंगी कि अगले साल मैं अपनी हेल्थ पर काफ़ी अच्छे से ध्यान दूं। दोस्तों, ट्रोल्स को तो देवोलीना ने जवाब दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है कि भाई देवोलीना प्रेग्नेंट नहीं है। उनके गुपचुप तरह से शादी रचाने की बस यही वजह थी कि वो कुछ भी बड़ा नहीं करना चाहती थी। देवोलीना का ट्रोल्स पर जवाब आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही देवोलीना और शाहनवाज की जोड़ी के बारे में आपका क्या कहना है ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें फिल्मी बीट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें।